जहाजपुर बिग ब्रेकिंग न्यूज, खजूरी में परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान तनातनी, पुलिस द्वारा डीजे का लैपटॉप लेने को लेकर हुआ गतिरोध, भाजपाइयों ने जताया था विरोध। पुलिस के खिलाफ भाजपाइयों ने जबरदस्त की नारेबाजी, लैपटॉप वापस देने पर भाजपा कार्यकर्ताओं की आतिशबाजी, लगाए पुलिस के खिलाफ नारे, देखिए पूरी खबर नागौर SCN पर। नेताओं ने परिवर्तन संकल्प यात्रा में दिखाई ताकत, नए चेहरे को टिकट देने की उठी मांग। जहाजपुर आजाद नेब विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन यात्रा प्रवेश के साथ ही भाजपा के लीडर्स द्वारा टिकट भी परिवर्तन करने की मांग से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान स्थानीय भाजपा नेताओं ने अलग अलग जगहों पर यात्रा का स्वागत कर शक्ति प्रदर्शन करते हुए नए चेहरे को टिकट देने की मांग की। वहीं नगर पालिका चेयरमैन नरेश मीणा ने परशुराम सकिल पर सबसे ज्यादा भीड़ जुटाकर सबको चौंकाया। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान बस स्टैंड पर आमसभा आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमारी सरकार ने 9 सालों देश का खजाना भरा है, हमारी सरकार ने मकान, लेटरीन, बाथरूम बनाया, नल जल योजना के तहत घर नल कनेक्शन दिया है, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का गरीब लोगों का इलाज फ्री किया है। दूसरी ओर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने बेटियों से बलात्कार, पेपर लीक, बढ़ते अपराध को रोकने में नाकाम रही है। ऐसी सरकार का परिवर्तन करने का संकल्प दिलाते हुए आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर कमल का फूल खिलाना है। जिस सरकार ने अपराध, बलात्कार, पेपर लीक, अवैध खनन और बस लूटने का कार्य किया है, उस सरकार नाम गहलोत देते जा रहे। राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय मंत्री सुरेंद्र सिंह नागर ने कहा कि कांग्रेस दोहरी चरित्र वाली पार्टी है, इसके झूठे वादों से आमजन को मुक्ति मिले और राजस्थान में जो हालात है उनको देखते हुए सत्ता में परिवर्तन लाना जरूरी है। राजस्थान व केंद्र में डबल इंजन की सरकार बनाए। परिवर्तन संकल्प यात्रा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय मंत्री सुरेंद्र सिंह नागर, प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल के सामने अपना दमखम दिखाने के लिए भाजपा नेताओं ने स्वागत सत्कार के बहाने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपनी दावेदारी पुरजोर तरीके से रखी और टिकट परिवर्तन कर नए चेहरे को देने की मांग की। भाजपा के नेताओं ने पंडित परशुराम सकिल व खजूरी में अलग से कार्यक्रम आयोजित कर परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया। विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन संकल्प यात्रा के स्वागत की शुरुआत पंडेर ग्राम में हुई। वहां पर भाजपा नेता महेंद्र मीणा, मुकेश सिंह शक्तावत, बनवारी शर्मा, रमेश नवहाल, भरत सिंह राठौर, रामप्रसाद टांक ने अपने समर्थकों के साथ स्वागत किया। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा में नगर पालिका चेयरमैन नरेश मीणा ने परशुराम सकिल पर सबसे ज्यादा भीड़ जुटाकर सबको चौंकाते हुए क्षेत्र में अपनी पकड़ का प्रदर्शन किया। क्षेत्र में निकली इस परिवर्तन यात्रा में नए चेहरे को टिकट देने की मांग पुरजोर तरीके से उठी। इस कार्यक्रम में जिला यात्रा संयोजक राकेश ओझा, सांसद सुभाष बहेड़िया, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, चुन्नीलाल गरासिया, विधायक गोपीचंद मीणा, पूर्व जिला प्रमुख शक्ति सिंह हाड़ा, पूर्व जिलाध्यक्ष लादू लाल तेली, उपजिला प्रमुख शंकर लाल गुर्जर, यात्रा के विधानसभा संयोजक करण सिंह बेलवा, भाजपा की वरिष्ठ नेता राकेश पत्रिया, राजकुमार आंचलिया, पूर्व अध्यक्ष कांता मीणा, ST मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शैतान मीणा, खेमराज मीणा, वाइस चेयरमैन राजीव काटिया, GSS अध्यक्ष सत्यनारायण मीणा, अमित गुर्जर, पवन वैष्णव सहित। ये रैली नहीं, जहाजपुर वालों का मेला है। ये जमघट दिखाता है अब गहलोत का समय खत्म होने वाला है। मेरे भाई और बहनों, राजस्थान के पास 2 बार अवसर आया। Oh!
इधर जो हम अधिकारियों को हमारी शांतिपूर्ण यात्रा चल रही थी, लोकतांत्रिक चल रही थी, हमने एसपी और कलेक्टर से परमिशन ली इस यात्रा की। उसके बाद भी यात्रा में व्यवधान पैदा करने के लिए हमारे साधन हमारे रोके गए, हमारे कार्यकर्ताओं को रोका गया और कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास किया। हमारे कार्यकर्ता का जो एक शांतिपूर्वक जो लैपटॉप था उसको छीन के ले गया ऐसे चिंता। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, इस कांग्रेस की नकारा सरकार भ्रष्ट सरकार को दो महीने बाद हम इनको इसी भाषा में जवाब देंगे। मैं गोपी वीडियो